हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो टॉपिक है हमने हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट में से लिया गया है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज द की टू पावर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, दैट इज नथिंग बट अ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर सकता है, क्या क्या उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स है, फंक्शंस है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी टू प्रोसेस अ मैसेज और डेटा इन मोर देन वन फॉर्म इज एन पॉलीमॉर्फिज्म। कि सिंपली जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कीवर्ड है, उस कीवर्ड को हमने ब्रेक करने के बाद अपने को मिलेगा जैसे लाइक पॉली एंड मॉर्फिज्म। कि पॉली इज नथिंग बट अ मेनी फॉर्म, ओके, पॉली इन द सेंस मेनी एंड मॉर्फिज्म इन द सेंस फॉर्म। तो दोनों को कंबाइन करेंगे दैट इज अ मेनी फॉर्म। कि एक स्पेसिफिक जो मेथड या डेटा हमें एक्सेस करना है उसको मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे क्या करने वाले, एक्सेस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग which support the ability of a class object to respond the different to a message or action। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि different form, कि different classes, different method, उसके अंदर हम different types of data pass करेंगे। ये अलग अलग scenario को हमने यहाँ पे क्या करें, merge कर दिया है। कि जिसके थ्रू जो हमें रिपीटेटिवली जो हमें कोड करना है उसको कम करने के लिए, या जो हमारा कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके डिफरेंट फॉर्म में उसको यूज करने के लिए, हमारा रीयूजेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्लास ही, दैट इज नथिंग बट अ शेप, एंड उसके अंदर हम एक मेथड कॉल किया दैट इज नथिंग बट अ एरिया। कि अभी यहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा कैसे ले सकता है, उसके लिए हमने लास्ट इसमें इनहेरिटेंस कंसेप्ट देखा था, ओके। आप उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे एक बार ओवरलुक कर सकते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि आप दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी किस तरह से इनहेरिट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी इनहेरिट तो हमने कर ली, बट अभी अलग अलग फॉर्म में उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है एक स्पेसिफिक शेप का। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है एंड उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारा जो रेक्टेंगल है उसका स्पेसिफिकली जो एरिया है, एरिया फाइंड आउट करें। अभी इसके अंदर हम देख सकते हैं, नोटिस करते हैं, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक सेम मेथड एरिया नाम की और उसको दो पैरामीटर्स हमने पास किए। तो सिमिलरली और एक एग्जांपल लिखते हैं, और एक चीज का हम एरिया फाइंड करते जाते हैं, सर्कल, ओके। तो सर्कल का हमें जो भी एरिया फाइंड आउट करना है, सेम हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए जैसे कि पाई और आर, ओके। बट यहाँ पे सिनेरियो दे सकते कि जो हमने एरिया के लिए दो पैरामीटर पास किए थे तो वो सिंपली आपके इंटीजर हो सकते, दोनों भी इंटीजर है। बट इन अ सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लोट वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू। तो एक डिफरेंट फॉर्म है यहाँ पे, दो डिफरेंट फॉर्म है, एक के अंदर इंटीजर इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर्स आपने पास किए, एंड सेकेंडली एरिया ही फाइंड आउट करना है लेकिन यहाँ पे फ्लोट एंड इंटीजर, इस तरह से एक सेकेंड वैल्यू हमने यहाँ पे पास किए। देन विद द हेल्प ऑफ थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे, एक थर्ड और एक डायग्राम, थर्ड एक और एक ऑप्शन है हमें देते हैं ट्रायंगल, ओके। तो ट्रायंगल के अंदर फिर से हमने यहाँ पे क्या कि एरिया फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट, ओके, ए भी हमारा जो ऑप्शन है वो हो चुका है। बट तीनों के अंदर हम देख सकते हैं कि तीनों के अंदर सिर्फ जो हमारा डेटा पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो उस पैरामीटर के अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप से यहाँ पे डेटा रिट्राइव हो रहा है। कि इफ दोनों इंटीजर है तो यहाँ पे रेक्टेंगल का आएगा, दोनों फ्लोट है तो ट्रायंगल का एरिया आएगा, और एक फ्लोट और एक
इंटीजर है तो यहाँ पे सर्कल का एरिया फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे एक ही मेथड हम कॉल करें एरिया, बट उसके तीन डिफरेंट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करें। तो इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, कोई सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।